झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल रेस में है। सीट शेयरिंग को लेकर पक्ष और विपक्ष के गठबंधन में चर्चा हो रही है। इसी बीच झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी में जुटी बीजेपी की टेंशन उसके सहयोगी दल आजसू ने बढ़ा दी है। भाजपा ने आजसू को 9 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए लगभग हरी झंडी भी दे दी है। सूत्रों से उन सीटों के नाम भी सामने आ गए, पर आजसू इन सीटों पर खुश नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पंचायत न्यूज के स्पेशल रिपोर्ट सियासी हलचल और मैं हूं आशीष। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी जोरों पर है। अपने घटक दलों आजसू और जेडीयू के साथ सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर लगातार बातें हो रही है। भारतीय जनता पार्टी आजसू को 9 से 10 सीटें देना चाहती है, जबकि जेडीयू 5 सीटों पर दावा कर रही है, पर भाजपा जेडीयू को एकमात्र सीट देने का मन बना रही है। इसी के साथ भाजपा अपने घटक दलों के साथ सीटों के फॉर्मूले को लॉक करके चुनाव की तैयारी में पूरी ताकत के साथ जुटना चाहती है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ रविवार रात आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की घंटे भर की बैठक झारखंड में एनडीए को स्वरूप देने की कवायद के तहत हुई। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी झारखंड में अपने 2 घटक दलों आजसू और जेडीयू के साथ सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर काम कर रही है। आजसू झारखंड विधानसभा चुनाव में 13 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, पर बीजेपी आजसू को 9 से 10 सीटें देना चाह रही है। इन्हीं सीटों को लेकर अमित शाह और सुदेश महतो के बीच बैठक में चर्चा हुई। रविवार की बैठक में गृह मंत्री ने आजसू प्रमुख सुदेश महतो से उन सभी सीटों पर क्रमवार ढंग से बात की जिन पर आजसू दावा कर रही, पर इस बैठक में कुछ सीटों को लेकर बात नहीं बन पाई, जिसे लेकर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो और गृह मंत्री अमित शाह के बीच इसी हफ्ते एक और बैठक होने वाली है। इस बैठक के बाद सीट शेयरिंग के फॉर्मूला को लॉक कर दिया जाएगा, पर जिन 9 सीटों पर सहमति बन गई है वह कौन कौन सी सीटें हैं वह भी आपको बताते हैं। पहले नंबर पर है डुमरी विधानसभा सीट, दूसरे नंबर पर है पाकुड़ विधानसभा सीट, तीसरे नंबर पर सिल्ली विधानसभा सीट, चौथे नंबर पर रामगढ़ विधानसभा सीट, पांचवें नंबर पर लोहरदग्गा विधानसभा सीट, छठे नंबर पर मांडू विधानसभा सीट, सातवें नंबर पर सिमरिया विधानसभा सीट, आठवें नंबर पर गोमिया विधानसभा सीट और अंतिम 9वें नंबर पर है जुगसलाई विधानसभा सीट। यह वह 9 सीटें हैं जिस पर लगभग बीजेपी और आजसू की सहमति बन गई। इन सीटों पर जल्द ही आजसू अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी कर सकती है। इसके अलावा 1 या 2 और भी सीटें हैं जिस पर आजसू और बीजेपी के बीच चर्चा चल रही है, जिसमें चंदन क्यारी, बड़का गांव और ईचागढ़ सीट शामिल है। आजसू को दी जाने वाली सीटों पर फाइनल मोहर अगली बैठक में लगना तय है। बीजेपी और आजसू की अगली बैठक 27 या 28 सितंबर को दिल्ली में होने वाली है। वहीं दूसरी ओर एनडीए के घटक दल जेडीयू 5 सीटों पर दावा कर रही है, मगर बीजेपी जेडीयू को 1 सीट जमशेदपुर पूर्वी देना चाह रही है, जहां से सरयू राय चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं, पर जेडीयू 5 सीटों की मांग पर अड़ी हुई है। और वहीं भाजपा खुद सूबे की 81 सीटों में से 69 से 70 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और अपने सहयोगी दलों को 11 से 12 सीटें देने की मन बना रही है। सूत्रों के मुताबिक दुर्गा पूजा तक बीजेपी उम्मीदवारों की सूची पर सीआईसी बैठक कर पहली सूची जारी भी कर सकती है। अब आने वाले 2 से 3 दिनों में यह पता चल जाएगा कि एनडीए का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा और आजसू जिन 3 और सीटों की मांग कर रही है वह उसे मिलेगी या नहीं। लेकिन उससे पहले इस सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर आप क्या सोचते हैं, यह हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबों को जोहार।